Assalamu alaikum friends, today I'm sharing the recipe of banana chips. I'm sure jis din aapne banana chips try kare, us din aap potato chips ko bhool jayenge. So let's start. First of all, you need 6 banana, turmeric 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon salt and oil for frying. इसको हम लोग अच्छे तरीके से पहले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे पर टूटे नहीं. फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से पील कर लिया नाइफ की मदद से. जब इसको अच्छे तरीके से पील कर लें तो इसको इस तरीके से कट करें. जब ये अच्छी तरह कट हो जाएं बहुत ही थिन लेयर में तो इसको आप फ्राई करें. या फिर इसका एक और तरीका है, आप इसको डायरेक्ट फ्राइंग पैन के ऊपर ही इस तरीके से कट करें ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना. फिर आप इसके अंदर टर्मेरिक और सॉल्ट को ऐड करके थोड़ा सा 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करके इसके गरम गरम तेल में ही आप इस तरीके से 2 टेबलस्पून ऐड कर दें फॉर कलर. इससे कोई टेस्ट में चेंज नहीं होता, जस्ट कलर इसमें ऐड हो जाता है. ये भी ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें तो. पर सॉल्ट ऐड करना ना भूलिएगा क्योंकि उससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा. फिर मैंने दूसरे तरीके से चिप्स को कट किया, 1/2 करके बनाना को कट किया तो इसका जो शेप था वो ज़्यादा अच्छा आया. मैं आपको रिकमेंड करूँगी बनाना को 1/2 करके आप इस तरीके से इसको कट करें. हमारे चिप्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चिप्स जो हैं वो रेडी हुए हैं. ये इसकी फाइनल लुक है. इट वॉज क्रिस्पी यमी. इसको ज़रूर ट्राई करें घर पर, ये डेफिनेटली आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी. इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है. आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, बट डू ट्राई दिस रेसिपी, यू विल श्योरली लव इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी एंड शेयर योर वर्ड्स इन माई कमेंट बॉक्स.